गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी होगी उठी हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल भी आ गए। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, मतलब मैं आ गई हूँ बाहर। दिया नमन चलेगा स्कूल मम्मा? हाँ। दिया नमन चलेगा स्कूल, मम्मा बुला रहे रोटी। ये क्या खीर बनाइएगा? तो मिलती हूँ थोड़ी देर तक। अब मैं डेली आपको ऐसी अपनी होलियन दिखा सकती हूँ। थोड़ी देर तक मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइज अभी मैं बैठी हुई हूँ बाहर धूप में, तो साथ में अभी मम्मा और वगैरह चले गए सब मंदिर में। अब चल रहा पाठ तो शादी में जाएंगी रेगुलर, और साथ में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे मॉर्निंग में पीरियड्स हो गए थे, और अभी उसकी वजह से मुझे बैक में भी काफ़ी दर्द हो रही है। कल से ही थी बट अब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, दर्द हो रही है और साथ में पेट में भी दर्द हो रही है। तो मैं सोचा थोड़ी देर धूप में लग जाऊँ, धूप में ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है, गर्म गर्म होता है ना, थोड़ा से अच्छा फील होता है। ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? उसको भगाते मुझे। चल 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 चल, भाग 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 भाग। चलो अभी ये मेरे पास आ रही थी, फिर ये मुझे तंग करती। अब ये जा रही है, वापस आ रही है। चल 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 चल, जाना यार। चलो मैंने इसको नीचे भगा दिया। तो अभी देर थोड़ी देर सोने लगी हूँ, फिर उठ के देखूँगी कुछ खा लूँगी। अभी तो बिल्कुल मुझे भूख नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं था। देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ठीक लगने लगे ना, फिर उसके बाद उठूँगी और कुछ खा लूँगी। मैं आप लेके आई मैं पार्टी कुछ खा लेती हूँ, कहीं थोड़ा बेटर लगे। और साथ में यार मुझे असल में ये को जब भी पीरियड्स होते हैं ना, तो मैं इस टाइम क्या करती हूँ कि मतलब पूरे दिन अपने आपको बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है ना, इसलिए मतलब सब गर्ल्स को रहती है। तो जैसे कि कुछ भी जो भी आपको देखना ना, आप मोबाइल फोन पर देखने की कोशिश करो, जैसे इंजॉय करो, थोड़ा सा अपने आपको ना डाइवर्ट करने की कोशिश करो। डाइवर्ट करोगे ना फिर थोड़ा सा जो तेल 5% से थोड़ा सा मिल जाएगा। मुझे काटना भी इतना मुश्किल काम लग रहा है, अच्छी अच्छी बताना चाहिए। ऊपर आपको आवाज आ रही होगी ना, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम A few moments later. तो गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है अभी इस टाइम में। आई डोंट थिंक कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ अपना व्लॉग, पर मुझे ठीक लगा तो मैं कर दूँगी, बट मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो मैं इस कंडीशन में इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो बस यही है यार, मैं इससे मतलब आज कल तो नहीं हो पाएगा, मुझे फ़ोन भी नहीं पकड़ने वाला। बस यही है यार, अगर आज एडिटिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं कल तक डाल दूँगी आज फोन। Thousand years later. थोड़ा क्या बहुत ठीक लग रहा है। मैं सोच रही थी मेडिसिन अवॉइड करूँ, नहीं खाऊँ, बट मैंने मेडिसिन खाई, उसी के बाद मुझे अभी फ़र्क पड़ा है। तो मैं सोचा अपने लिए थोड़ी सी चाय बना दूँ, अजवाइन वगैरह डाल के, जिससे थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है गर्म। तो मैंने सोचा आपको मेरी इतनी रोंदू शक्ल दिखाई थी इससे पहले, तो एक बार अच्छे से बता दूँ कि अब मैं थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ गया। होता है यार नॉर्मल, अब मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल हो गया अब। मंथली पता ही है कि ऐसे ये टाइम आना ही है,
बट उस टाइम इंसान इतना घबरा जाता है, मतलब ऐसे शिवरिंग हो जाती है ना, जब बहुत ज़्यादा पेन में पेन होने लगती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी में शिवरिंग होने लगती है, तो उस टाइम ऐसा लगता है घबरा जाता है ऐसे बिल्कुल कि क्या हो रहा है। बट उसके बाद जब ठीक हो जाओ तो एकदम खुशी खुश हो जाती हूँ। और मेरा तो नेचर ही ऐसे कि मैं बस हंसती रह हंसता रहना मुझे अच्छा लगता है कुछ भी। तो मैं सैड होती हूँ तो मैं और ज़्यादा घबरा जाती हूँ, जब मैं ऐसे मुझे पेन वगैरह होती है तो मैं ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि मुझे क्या हो गया, मैं कब ठीक होंगी ऐसे। तब मैं बहुत बेटर हो गई हूँ, तो अब होप मुझे अभी इसके बाद दर्द ना हो, तो मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो बस देखते हैं फिर क्या करते हैं अभी। मुझे अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है पीको के। सच में मजाक नहीं, मैं कोई 1-2 घंटा भी इतनी ज़्यादा पेन हुई है ना, इतनी शार्प पेन हुई है कि मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बट अब मुझे बहुत बेटर लग रहा है, बस अब ना बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान रहती हूँ। छोटी थोड़ी चाय पी लूँ, अब थोड़ा सा सो जाऊँ ना, रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेन थी कि सोने की कोशिश तो कर रही थी बट नींद नहीं आती। अब थोड़ा सा ठीक लगा तो सोने की कोशिश करती हूँ, शायद नींद आ जाए तो थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगी ना। और वैसे भी जिस टाइम इस टाइम पे वैसे भी रेस्ट ही करनी चाहिए, रेस्ट कोई भी हैवी कुछ वगैरह से काम करना ही नहीं चाहिए, कोई नॉर्मल बैठे रहो, पेन हो रही है फिर भी। और वैसे तो मैं पेन किलर अवॉइड करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट लिटरली किसी भी मंथ ऐसा नहीं होता कि मैं पेन किलर ना लूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सीवियर होने लगती है पेन की, मुझे लेना ही पड़ता है। तो बस यही है, तो जिसको अगर नॉर्मली होती है तो वो मत लें, पेन किलर भी अच्छी चीज़ नहीं है। बट बहुत ज़्यादा जब हद से बाहर हो जाए तो कोई क्या ही करेगा फिर, तो मतलब यही ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने ले ली थी मेडिसिन, तो अभी थोड़ी देर तक बाद मैंने चाय पी है, खाना अभी तक नहीं खाया, और मैं खाना पीने वाली हूँ, मेरे को हिम्मत नहीं है, मुझे लग रहा खाना खाऊंगी तो मुझे ज़्यादा पेन होने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पीरियड्स में मतलब खाना खाती हूँ ना तो मुझे पेन ज़्यादा होने लगती है। पता नहीं ये मिथ है कि मुझे ऐसा सच में है, तो लेकिन मुझे ये रहता है, तो इसलिए अभी भूख भी नहीं है बिल्कुल, चाय वगैरह पी के थोड़ी रेस्ट करूँगी, सोऊंगी, फिर देखते हैं उठूँगी तब तक मम्मा वगैरह भी आ जाएंगे। वैसे मम्मा कह तो रही थी कि तो मुझे बता देना अगर पेन हुई ज़्यादा, तो मैं उससे क्या ही करना है मंदिर, वैसे भी वो आकर भी तो मेडिसिन ही देंगे ज़्यादा ज़्यादा, चाय वगैरह भी देंगे, अब पेन कौन ही हटा सकता है। तो इसलिए मैं सोचा कोई बात नहीं, मंदिर ही होंगे तो आराम से वहाँ बैठे खुद ही देख लूँ, अपना ध्यान रखूँ, वैसे बाहर भी तो खुद ही रखना पड़ता है ध्यान, कर लेती हूँ इतना मैनेज वैसे मैं आजकल अब। तो देखती हूँ, रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, देखती हूँ आपसे बाद में, बाय बाय। तो अभी मैंने रेस्ट कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, तो मम्मा ने अभी काढ़ा बना के लाया था और मैं काढ़ा पी रही हूँ। तो फिर बस यही था आज के मेरे ब्लॉग में गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय, टेक केयर।